बायबैक ऑफ शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज। क्या कह रहा है द कंपनी एक्ट 2013। कुछ थ्योरी से थ्योरी पढ़नी है इसके अंदर, फिर प्रैक्टिकल में आएंगे। हल्का सा थ्योरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, इसलिए पढ़ना जरूरी है। और आपके ऑल्दो ये लॉ में कवर्ड है, आपके कंपनी लॉ के अंदर जो आपके एग्जाम में वो भी एक सब्जेक्ट है, तो आपने वहाँ पढ़ा ही होगा ऐसा मैं मान रहा हूँ कि आपने ये टॉपिक, ये एरिया आपने कंपनी लॉ में पढ़ा है। कंपनी लॉ कॉर्पोरेट लॉ बोथ आर सेम। एक बच्चे सुनो क्या कह रहा है कि कंपनीज एक्ट जो है हमारा 2013 वाला, उसका ये पर्टिकुलर सेक्शन क्या कहता है कि बायबैक हम अपने ओन शेयर कर सकते हैं कहां से, फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, या फिर प्रोसीड्स ऑफ द इश्यू ऑफ एनी शेयर्स या अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। क्या कह रहा है कि बायबैक करने के लिए या तो आप जितने बायबैक करने वाले हो उतने फ्रेश इशू कर दो। फ्रेश इशू क्या करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कोई ना कोई शेयर कैपिटल होना चाहिए। ठीक, आप इक्विटी शेयर कैपिटल बायबैक करने वाले हो तो उसके लिए क्या कर दो, इक्विटी शेयर कैपिटल और इशू कर दो, सेंसिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है, इक्विटी शेयर बायबैक करने के लिए आप क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू करोगे। अरे इक्विटी का इक्विटी करना होता तो बायबैक ही क्यों करते, अभी उस सवालों पे आ रहे हैं, पहले तो समझा रहा हूं, वो तो सुन ले मेरे भाई, उसमें क्वेरी पूछो ना, अपनी क्वेरी अपने पास रखो। ठीक है, तो बायबैक क्या है, मतलब कि हम बायबैक करके अपनी शेयर कैपिटल जितने से कम करेंगे उतने से हमें शेयर कैपिटल बढ़ानी भी पड़ेगी। शेयर कैपिटल बढ़ाने के लिए जैसा आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में पढ़ा हुआ है कि आपको सीआरआर बनाना पड़ता है, वैसे यहां पे भी आपको क्या करना पड़ता है, सीआरआर बनाना पड़ता है। मतलब कि अगर आपका शेयर कैपिटल 5 लाख से कम होगा तो 5 लाख से बढ़ना चाहिए, या तो फ्रेश इशू कर लो या फिर उतने का सीआरआर बना लो। ठीक है, जो भी करेंगे आप, तो फ्रेश इशू ये दिख गया आपको, इससे फ्रेश इशू हो जाएगा, और अगर फ्रेश इशू नहीं होगा तो इन दोनों से क्या बन जाएगा आपका, सीआरआर, फ्री रिजर्व से या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या बन जाएगा, सीआरआर। सीआरआर की एंट्री आपको पता है, पहले से आपने प्रेफरेंस शेयर में पढ़ी है। अच्छा जी, देन आगे क्या कह रहा है, नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी शैल बी मेड आउट ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इशू ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स और सेम काइंड ऑफ अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। मतलब बायबैक सेम काइंड से नहीं होगा, जो मैंने बात बोली अभी कि इक्विटी अगर आप बायबैक करोगे तो ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं कि इक्विटी का फ्रेश इशू कर रहे हो, इक्विटी का ही बायबैक कर रहे हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, प्रेफरेंस का करना पड़ेगा या फिर काइंड बदलना पड़ेगा कि लाइक 100 रुपए वाला इक्विटी शेयर था उसको बायबैक करके आप 10 रुपए वाला इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो तो भी चलेगा। ठीक है ना, बट कुछ चेंज होना चाहिए, सेम टू सेम खेलोगे तो मजा नहीं आएगा। आगे अब जो ये पॉइंट कह रहा है क्या कि अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या है, ये आपके एग्जाम में आते हैं। एग्जाम कहता है आपका पेपर में कि प्रोविजंस राइट डाउन करो बायबैक के, बायबैक से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस हैं आपके, वो आपको लिखने होते हैं नंबर्स में। ठीक है, तो इसलिए आपको ये याद करना आवश्यक है कि क्या क्या प्रोविजंस होते हैं बायबैक करने के लिए। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जो बायबैक है वो आपके ऑथराइज्ड होना चाहिए आर्टिकल्स के अंदर। आर्टिकल्स का मतलब क्या है यहाँ पे लॉ वाले बच्चों, सेक्शन 2 नलायक बच्चा, आर्टिकल्स मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA। अब बेकार वाले सवाल मुझसे पूछोगे ना तो मैं बता रहा हूँ, मैं वीडियो रोक करके पहले आपकी मिठाई लगाऊंगा फिर आगे बढ़ाऊंगा वीडियो में। ठीक है जी, आपने बचपन में दो चीज पढ़ा होगा, MOA और AOA। तो AO को बोलते हैं हम आर्टिकल्स, इन शॉर्ट फुल फॉर्म होता है उसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। शांत हो जाओ दोस्त, शांत, बेहूदा सवाल नहीं, ध्यान दो, मजे लेने के मूड में नहीं। हाँ जी, तो बायबैक का मतलब क्या है कि बायबैक करने के लिए जो आपकी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके अंदर ये ऑथराइज होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए कि हाँ जी कंपनी जब बनती है तब AOA बना तो उसके अंदर ये लिखा होना चाहिए, या बाद में भी अगर है तो आपने अमेंड कराया हो, बट उसके अंदर ये मेंशन होना चाहिए कि कंपनी चाहे तो अपने शेयर्स को बायबैक कर सकती है, उनकी राइट्स में, उनके पावर्स में है, तो वो ऑथराइज होना चाहिए, कहने का मतलब ये हुआ। सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कहां पे, जनरल मीटिंग में, क्या कहने, क्या करने के लिए, बायबैक करने के लिए। बायबैक जो किया जाएगा उसके लिए आपके लिए क्या जरूरी है, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना आवश्यक है। अब रेजोल्यूशन के बहुत सारे टाइप होते हैं, वो आपके लॉ का एरिया, मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं ये बता रहा हूं कि इसके लिए कौन सा पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। ठीक है जी, हाउएवर द अबव प्रोविजन डू नॉट अप्लाई वेयर द बायबैक इज 10% और लेस देन द पेड अप इक्विटी कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड इट ऑथराइज्ड बाय अ बोर्ड रेजोल्यूशन पास्ड एट अ ड्यूटी कन्वेंट मीटिंग ऑफ अ डायरेक्टर। हेंस इन द केस ऑफ बायबैक इज अप टू 10% ऑफ इक्विटी शेयर प्लस फ्री रिजर्व, द सेम मे बी डन विद ऑथराइजेशन ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन विदाउट द नेसेसिटी ऑफ इट्स बीइंग ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल
of association of the company and by special resolution of its member passed by the general meeting of the company. ऐसा लग रहा हम लॉ की क्लास ले रहे हैं, ठीक है जी। मोटा मोटा यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप 10% तक करते हो बायबैक, तो उस वो बायबैक आपका बोर्ड रेजोल्यूशन से भी चल जाएगा, उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है। 10% किस चीज का, 10% किस चीज का, 10% ऊपर देखो, ऊपर 10% किस चीज का, इक्विटी प्लस फ्री रिजर्व, इन दोनों को जोड़ो और इसका 10% निकालो। अगर आप इतना बायबैक कर रहे हो तो उसके लिए आपको बोर्ड रेजोल्यूशन से भी काम चल जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। आगे, द बायबैक इज इक्वल और लेस देन 25% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी, दिस इज द अपर लिमिट कि आप मैक्सिमम कितना बायबैक कर सकते हो, आप 25% या उससे कम कर सकते हो, किस चीज का, टोटल पेड अप कैपिटल या फिर फ्री रिजर्व, मतलब टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे 25% से, इतना मैक्सिमम है बायबैक या फिर इससे कम। तो ये आपको पॉइंट्स आपको लिखने हैं, जो कर्व में है वो आपको याद रखना है एटलीस्ट, अच्छा जी। देन उसके बाद क्या कह रहा है कि द रेशियो ऑफ डेट ओन्ड बाय द कंपनी बोथ सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड आफ्टर सच बायबैक इज नॉट मोर देन ट्वाइस ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। मतलब क्या हुआ कि जो आपका डेट रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो जो आपका होता है, आपने रेशियो में पढ़ा हो ध्यान अगर कुछ, तो डेट इक्विटी रेशियो जो होता है वो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि आप इक्विटी कम करने के चक्कर में इतना ना कम कर दो कि जो आपका डेट है वो 2 गुना से ज्यादा हो जाए। हरी बात समझ में, कि सपोज करो 20 लाख का डेट था और इक्विटी था हमारा 15 लाख रुपए का, तो आप 5 लाख तक कर लोगे तो भी आप 2:1 में रहोगे, क्योंकि आपकी इक्विटी 10 लाख हो जाएगी, डेट 20 लाख रहेगा, 2:1 है। पर अगर आप 10 लाख कर लोगे तो वो 20 लाख का 20 लाख रहेगा, आपका इक्विटी कितना हो जाएगा, 5 लाख। तो वो करने से वो मना कर रहा है, वो क्या कह रहा है कि इसको इतना ही कम करना है कि वो 2:1 के रेशियो से रहे, उससे नीचे ना आए, ठीक है जी। आगे, अब ये नोट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब अ हायर रेशियो फॉर द डेट देन दैट स्पेसिफाइड अंडर द क्लॉज। ये कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको प्रिस्क्राइब करके चेंज कर सकता है, बट ऑल्दो नहीं है। जनरली आपको ये याद रखना है कि 2:1 का रेशियो मेंटेन होना चाहिए। आगे, ऑल द शेयर्स एंड अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफ बायबैक आर फुल्ली पेड अप। मतलब पार्टली पेड अप अगर है सिचुएशन, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी देखोगे कि अगर हमने 8 ही रुपए मंगाए थे, मतलब पार्टली पेड अप था, तो उसको क्या करना जरूरी है, फुल्ली पेड अप करना जरूरी है। पार्टली पेड अप नहीं होना चाहिए, बायबैक करने के लिए शेयर सारे क्या होने चाहिए, फुल्ली पेड अप। आगे, द बायबैक ऑफ द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज इन अकॉर्डेंस विद द रेगुलेशन मेड बाय सेबी। कह रहा है बायबैक जो होगा अगर वो आपके शेयर जो है वो लिस्टेड है कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो आपको रेगुलेशन किसके फॉलो करने पड़ेंगे, सेबी के भी रेगुलेशन फॉलो करेंगे। मतलब सेबी अगर कोई अलग प्रोविजन बताता है, कोई अलग पॉइंट बताता है, तो आपको उसको भी पालन करना है। किस केस में, जब आपका शेयर जो है वो क्या है, लिस्टेड है कहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है जी। आगे बढ़े, इसके बाद क्या कह रहा है, द बायबैक इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी अदर देन दो स्पेसिफाइड इन क्लॉज एफ, मतलब ऊपर वाले में जो कह रहा था, इज इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब वही सारी गाइडलाइंस फॉलो होंगी, कुछ खास बात नहीं कह रहा, प्रोवाइडेड दैट नो ऑफर ऑफ बायबैक अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये लाइन, विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year रिकर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ अ प्रीवियस ऑफर ऑफ बायबैक if any, this means that there cannot be more than one buyback in 1 year. मतलब क्या हुआ कि आपका पिछला buyback जो खत्म हुआ उसके 1 साल खत्म होने से पहले तक आप दूसरा buyback नहीं कर सकते, मतलब आप 1 साल में एक ही buyback कर सकते, ठीक है, ये important point है। आगे, equity shares every buyback shall be completed within 12 months from the date of passing the special resolution. मतलब जिस दिन resolution pass हुआ उसके 12 महीने के अंदर आपका buyback समाप्त हो जाना चाहिए, और the resolution passed by the board of director. अगर 10% वाला केस था तो क्या होगा, board resolution होगा, तो वो केस रहा हो कोई दिक्कत नहीं, where the buyback is up to 10% of जो भी है, ठीक है, मतलब जो भी resolution है, चाहे वो board resolution है चाहे वो स्पेशल रेजोल्यूशन है, दोनों के दोनों रेजोल्यूशन पास होने की डेट के 12 महीने के भीतर आपका जो कार्य है वो समाप्त हो जाना चाहिए बायबैक का। आगे, द बायबैक मे बी फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस और फ्रॉम द ओपन मार्केट से भी कर सकते हैं, हम सिक्योरिटी होल्डर जो है उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे भी ले सकते हैं, और बाय परचेजिंग सिक्योरिटी इशूड बाय एम्प्लॉई
इशू टू एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी पर्सुएंट टू अ स्कीम ऑफ स्टॉक ऑप्शन और इक्विटी शेयर, मतलब किसी भी जरिए से आपने शेयर्स इशू कर रखे हैं, चाहे वो स्वेट इक्विटी वाले हो, एम्प्लॉयज वाले हो, जैसे भी हो, वो आप क्या कर सकते हो, बायबैक कर सकते हो। ठीक है, बोल लो। हाँ जी, हाँ जी, वो परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। ओपन मार्केट समझा के बायबैक एक अलग प्रोसेस कर सकते हैं, वो परचेज फ्रॉम ओपन मार्केट नहीं कहलाएगा, वो बायबैक फ्रॉम ओपन मार्केट कहलाएगा। प्रोसीजर सेम है, मुद्दा है बायबैक करने का। हाँ, प्रिस्क्राइब शेयर होल्डर को सूचित नहीं कर रहे हैं। ओपन मार्केट का मतलब क्या हुआ कि मैंने एक जनरल डिक्लेरेशन दे दी कि भैया जो हम ये बायबैक का निकाल रहे हैं, ये प्रस्ताव है हमारा, लेट्स सपोज 100 रुपए का शेयर हम 110 रुपए में बायबैक करने को रेडी है, मतलब प्रीमियम पे बायबैक करने को रेडी है, जो मर्जी आए वो ले सकते हैं। ये क्या हुआ, ओपन मार्केट सभी के लिए सार्वजनिक है। और चुनिंदा शेयर होल्डर को भेजा, हमने 10 शेयर होल्डर को पकड़ा, भैया तुम्हारे शेयर हम बायबैक करने को इंटरेस्टेड है, आओ अपने शेयर दे जाओ, उसमें से 2 आए, 5 आए, 7 आए, जो भी आए। तो ये क्या हुआ, पर्टिकुलर शेयर होल्डर की बात हो रही है। एलिजिबल, आगे बताएं। हाँ, ये एक बड़ा बड़ा पॉइंट है, बट अच्छा पॉइंट है, जरा इसको रीड मारते हैं। क्या कह रहा है, वेयर अ कंपनी हैज पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 टू बाय बैक इट्स ओन शेयर और अदर सिक्योरिटी अंडर दिस सेक्शन, इट शैल बिफोर मेकिंग सच बायबैक फाइल विद द रजिस्ट्रार एंड द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इन द फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट टू द इफेक्ट दैट बोर्ड हैज मेड a full inquiry into the affairs of the company as a result of which they have formed an opinion that it is capable of meeting its liability and will not be rendered insolvent within a period of 1 year of the date of declaration adopted by the board and signed by at least 2 directors of the company, one of whom shall be the managing director if any. Note bhi padhte hain fir samjhenge. No declaration of solvency shall be filed within this SEBI by a company whose shares are not listed on a recognized stock exchange. क्या कह रहा है कि अगर तो आपका shares एक आपको मतलब क्या है कि declaration file करनी है solvency के, solvency का मतलब कि in next 1 year, मतलब जिस दिन हमारा ये process file कर रहे हैं उसके अगले साल तक हम insolvent ना हो जाए, इसकी आपको एक डिक्लेरेशन देनी है। आप सारे अकाउंट्स वगैरह फाइनलाइज करोगे, चेक करोगे सब कुछ कि हाँ जी बायबैक करने के बाद भी हमारे पास इतना पैसा बचेगा जिससे हम अपनी लाइबिलिटीज को चुका पाएंगे। ऐसा नहीं हो कि हमने बायबैक कर लिया उसको लाइबिलिटी वालों के लिए पैसे नहीं बचा, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि जो मालिक है वो पैसे लेकर निकल लिए और लाइबिलिटी को हम चुका नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको एक क्या फाइल करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। किसको फाइल करना पड़ेगा, 2 लोगों को, एक कौन है रजिस्ट्रार, दूसरा कौन है आपका सेबी। सेबी को लेकर तभी करना पड़ेगा जब आपके शेयर्स क्या है स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है तो सिर्फ आप किसको करोगे, रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार कौन होता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है, जहां पे कंपनी हमारी इनकॉर्पोरेट होती है, कंपनी सारी डील वगैरह होती है, पढ़ा होगा अपने लॉ में। ठीक है जी, तो ये मोटा मोटा ये पॉइंट कहना चाह रहा था कि डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी आपको फाइल करना आवश्यक है और ये जो फाइल की जाएगी इसमें साइन किसके होंगे, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स के, जिसमें से एक डायरेक्टर क्या होना चाहिए, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, आगे बताएं। कह रहा है When a company buy back its own securities, बहुत बढ़िया, it shall extinguish and physically destroy the securities so bought back within 7 days of the last date of completion of buyback. मतलब कि जो भी shares उन्होंने buyback कर लिए, जो भी दस्तावेज उनके पास आ गए, उसको उनको destroy कर देना है, खत्म कर देना है, रद्द कर देना है, जला देना है, राख कर देना है, जो भी करना है, कितने दिन के अंदर, within 7 days के अंदर। आगे, Where a company completed its buyback of its shares and other specified security under this section, it shall not make further issue of same kind of shares. मतलब कि ऐसा नहीं कि आज आपने buyback कर लिया और further आप same तरीके के issue आप issue कर रहे हो, फिर sense नहीं रह जाएगा, तो इसलिए आप ऐसा नहीं करोगे। Including allotment of further shares under clause A of जो भी है और other specified security within a period of 6 months, except by way of बोनस इशू, मतलब ये किया जा सकता है, और इन द डिस्चार्ज ऑफ सबसिस्टिंग ऑब्लिगेशन सच एज कन्वर्जन ऑफ वारंट। मतलब कि अगर आपके पास कोई वारंट पेंडिंग था उसको आपको कन्वर्ट करके शेयर्स देने हैं तो आप वो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बोनस इशू कर लो, वो दिक्कत नहीं है, बट अदरवाइज ये दोनों के नहीं कर सकते। उसके बाद क्या कह रहा है, स्टॉक ऑप्शन स्कीम हो गया, स्वेट इक्विटी शेयर्स हो गया, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स इन इक्विटी शेयर्स हो गया। मतलब कहीं ना कहीं आपको बदलाव करने, पैसे रेज नहीं करना आपको उससे, आप उससे पैसे रेज नहीं करोगे, आप किसी ना किसी अपने एम्प्लॉयज को दोगे थ्रू स्वेट दो या ऑप्शन के थ्रू दो,
या आप कन्वर्जन कर रहे हो, प्रेफरेंस वाले को इक्विटी दे दिया, एडवेंचर वाले को इक्विटी दे दिया, इस टाइप की चीजें कर सकते हो, बट सेम क्लास का फ्रेश इशू नहीं करोगे इन दी ओपन मार्केट। आगे कब तक नहीं करेंगे? विद इन 6 months। जागो ग्राहक, जागो। आगे अंडरलाइन किया बकायदा, इफ द कंपनी मेक्स अ डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन और एनी रेगुलेशन मेड बाय सेबी इन दिस रिगार्ड, द कंपनी मे बी पनिशेबल विद अ फाइन व्हिच शैल नॉट बी लेस देन 1 lakh बट व्हिच मे एक्सटेंड टू 3 lakh रुपीस। मतलब कम से कम लाख रुपए, ज्यादा से ज्यादा 3 lakh रुपए का आपको जुर्माना लगेगा। एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद द इंप्रिजनमेंट ऑफ फॉर अप टू 3 years, 3 साल की आपको जेल हो जाएगी, और विद अ फाइन ऑफ नॉट लेस देन 1 lakh रुपीज बट विच मे एक्सटेंड टू 3 lakh रुपीज और विद बोथ। मतलब कि 3 lakh की जेल हो सकती है, सॉरी 3 साल की जेल हो सकती है, या फिर 3 lakh था, क्या था, 1 lakh रुपए से लेकर 3 lakh रुपए के बाद जुर्माना हो सकता है, या फिर 3 साल की आपको जेल हो सकती है, या फिर दोनों हो सकता है। ये अपने लॉ के अंदर आ गया, अब इसको छोड़ा जा सकता है। नहीं, लॉ के अंदर नहीं आए। हाँ जी, थोड़ा सा और रहता है। सेक्शन 69(1) स्टेट दैट वेयर अ कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ऑफ सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, सो परचेज शैल बी ट्रांसफर्ड टू CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, एंड डिटेल्स ऑफ सच अकाउंट शैल बी डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट। उसके बारे में आपको बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करना आवश्यक है, तो मतलब आपको CRR बनाना आवश्यक है। ये यहां पे क्लियर हो गया। अगला बताएं, द CRR अकाउंट में भी अप्लाइड बाय कंपनी इन पेइंग CRR, हम कहां यूज कर सकते हैं, बाय पेइंग अप अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी इशूड टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी एज फुल्ली पेड बोनस, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। मतलब कहीं ना कहीं सीआरआर का काम आता है बोनस के अंदर। हमने लास्ट क्लास में देखा था जब बोनस शेयर की पॉइंट किया था कि बोनस शेयर्स में आपको अगर पार्टी को फुल्ली कन्वर्ट करना है तो आप उसके अंदर यूज कर सकते हो सीआरआर को। ठीक है जी, आगे वेयर अ कंपनी बाय बैक इट्स सिक्योरिटीज अंडर दिस सेक्शन इट शैल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ द सिक्योरिटीज सो बॉट द कंसीडरेशन पेड फॉर द सिक्योरिटीज बॉट बैक द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सिक्योरिटीज द डेट ऑफ एक्सटिंग्विशिंग एंड फिजिकली डिस्ट्रॉइंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड सच अदर पर्टिकुलर एज बी प्रिस्क्राइब। मतलब आपको प्रॉपर एक खाता बना के रखना है, इसके अंदर सारी जानकारी मौजूद होनी चाहिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ठीक, लास्ट पॉइंट, अ कंपनी शैल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बायबैक अंडर दिस सेक्शन फाइल विद द रजिस्ट्रार एंड द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अ रिटर्न कंटेनिंग सच पर्टिकुलर रिटेनिंग टू द बायबैक विद इन 30 days of such completion as may be prescribed provided that no return shall be filed with the SEBI of the company whose shares are not listed in the recognized shares। मतलब वही बात हो गई कि आपको एक रिटर्न फाइल करनी है कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, जब ये सारा समापन हो जाएगा, और उनको सूचित करना है कि हमने ऐसे ऐसी कार्रवाई की है। किन किन को सूचित करना है? पहला रजिस्ट्रार को, दूसरा सेबी को। लेकिन सेबी को नहीं करना कब? जब आपका शेयर्स लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो मतलब उस केस में सिर्फ आपको रजिस्ट्रार को सूचित करना है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे which is very very important for your exam, सब important है जीवन में। अब ये कुछ practical चीज़ आगे question के साथ हो जाएगा। ये आपके सवाल में आया हुआ है, what are the conditions for buyback of shares, condition वही सारे points है, छांट-छांट के आप लिख पाओगे जितने उतने लिखने हैं आपको, and explain the provisions relating to buyback of shares। तो इस type के सवाल आपके exam में आए हुए हैं। Now comes to practical question, आओ जी। ऊपर जितने पॉइंट आपने लिखे हैं वो सारी बातें, 10% नहीं होना चाहिए, 25% ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये सारी बातें लिखनी है आपको अपने शब्दों में, बैठना नहीं है अपने शब्दों में। वही प्रोविजन भी वही है, कंडीशन भी वही है, बोथ आर सेम। अच्छा, थोड़ी सी इसकी एंट्री की चर्चा कर लें। बताइए जी, एंट्री किस प्रकार से होगी बायबैक की? एंट्री किस प्रकार से होगी? फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, CRR क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने की एंट्री बोलो, फ्री रिजर्व डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू CRR, बी CRR
क्रिएटेड. नाउ नेक्स्ट, अगर फ्रेश इशू हो रहा होगा तो वो आप इशू कर लोगे, उसको लिखवाने की जरूरत नहीं है. अब बात आती है किसकी, बायबैक की. बायबैक की क्या एंट्री होगी? तो बायबैक कैसे कैसे हो सकता है, पार पे हो सकता है, रिवम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे हो सकता है, तीनों बातें हो सकती है. यस सर, आओ जी बात करो. पहले बायबैक एट पार, बताए पार के केस में क्या एंट्री होगी? हमारे पास क्या आ रहा है वापस? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नालायक. इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. ठीक है जी, सिंपल सी बात है, शेयर आ रहा है, पैसे जा रहे हैं. नहीं भैया, बायबैक कर रहे हैं, बायबैक कर रहे हैं, कन्वर्जन ना है. कैसी कैसी बात कर रहे हो, बायबैक होगा तो पैसे तो दोगे और क्या दोगे. अगला एट प्रीमियम, तो पहले एंट्री चेंज होगी, दूसरी सेम रहेगी. पहले एंट्री में क्या बदलाव आएगा, प्रीमियम आपका फायदा है या फिर नुकसान है? इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट. अरे वाह, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट. और सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी? सेम. नाउ थर्ड वन इज एट होगा. अरे भैया यही तो लॉस है, डिस्काउंट और क्या लॉस होगा इसके अलावा यहाँ पे. ये प्रीमियम सजेस्ट कर लिया ना, प्रीमियम अकाउंट तो हाँ, प्रीमियम सिक्योरिटी में डेबिट कर रहे हैं. कौन सा प्रीमियम? जो तुम्हारे पास प्रीमियम पड़ा होगा अवेलेबल होगा. अगर प्रीमियम अवेलेबल नहीं होगा तो जर्नलिज्म लिखेंगे यहाँ पे या प्री रिजर्व में और कुछ लिखेंगे. ठीक है ना, डिस्काउंट की बात करें तो पहली एंट्री क्या होगी? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए सेम इज बी. नाउ ए इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अरे क्या कर रहे हो, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर और टू अरे वाह कैपिटल रिजर्व अकाउंट. एंड नेक्स्ट एंट्री बी तो सेम हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक. ठीक है, अब सवाल देखते हैं, पहले तुम्हारे सवाल में जवाब आ जाएंगे. ठीक, आओ जी सवाल पे फटाफट जल्दी करें. ये क्या हो गया, सवाल नंबर थ्री. आओ जी बीकॉम का सवाल पढ़ें फटाफट. बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड 31st March 2007 वाज एज फॉलोस. लायबिलिटी भी क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12% डिबेंचर्स एंट्री क्रेडिट दे रखा है, फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर एंड कैश एट बैंक. बैलेंस शीट दे दी, अच्छी बात है. कह रहा है एक अप्रैल 2007 की बात है, कंपनी अनाउंस करती है बायबैक करेगी 25% ऑफ इक्विटी शेयर एट प्रीमियम ऑफ 10%. द कंपनी सोल्ड अ मशीन कॉस्टिंग 160,000, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 30,000 रुपए, बेचा कितने का 1,00,000 रुपए का. ठीक है, तो ये सेल की एंट्री एक्स्ट्रा करना है, बाकी बायबैक करना है. आपको पता है जब बायबैक करेंगे तो सीआरआर बनाना तो कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश इशू हो नहीं रहा, तो सीआरआर कितना बनेगा, सारा का सारा. बताइए जरा बायबैक कितना हो रहा है, चल भी थी अमाउंट 25%. यहाँ पे कितनी फिगर है, 20,00,000, 10 रुपए का एक है, मतलब कितना है यहाँ पे, 2,00,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच. इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक है, 20,00,000 रुपए का अमाउंट है, 2,00,000 शेयर इंटू में 10, कह रहा 25% बायबैक कर लेंगे, मतलब 50,000 शेयर, 10 वाले टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5,00,000 रुपए. ठीक है जी,
और 10% के प्रीमियम पे मतलब कितना 550,000 रुपए लौटाना पड़ेगा। 5 लाख हम बायबैक कर रहे हैं शेयर्स, 50,000 का हम देंगे प्रीमियम, हमें सीआरआर कितना बनाना पड़ेगा? सीआरआर कितने बनाने की आवश्यकता है बताओ जी? 5 लाख रुपए का हम बायबैक कर रहे हैं, 50,000 रुपए का हम उसको प्रीमियम दे रहे हैं, तो हमें सीआरआर कितना बनाना चाहिए? इस प्रेस इशू तो हो नहीं रहा, वो तो है। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, मुझे बस वो बताया जाए। 5,50,000 25% करके 5 लाख आ रहा है, तुम ऐसे ना खेलो। हाँ, 5 लाख या 5,50,000? 5,50,000 5,50,000 के फेवर में और सारे के सारे नालायक दोस्तों। ये तुम्हें बताया गया था जो हमने शेयर का चैप्टर पढ़ा था, कौन सा? प्रेफरेंस शेयर का, कि कैपिटल रिड्यूस कितने से हो रहा है। जितने से कैपिटल कम होगा उतना ही कैपिटल बढ़ाने की जरूरत होती है। कैपिटल कम कितने से हो रहा है? 5 लाख रुपए से। जो 50,000 रुपए कम हो रहा है तो रिजर्व सरप्लस से जाएगा ना। जो प्रीमियम दे रहे हैं क्या उससे शेयर कैपिटल कम हो जाएगी? बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल को देखो, शेयर कैपिटल में क्या होता है? इक्विटी होता है तो प्रेफरेंस होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से कम होगा? 5 लाख रुपए से। और 50,000 से क्या कम होगा? रिजर्व सरप्लस। उससे मतलब है हमें किससे मतलब है? शेयर कैपिटल से। शेयर कैपिटल कितने से कम होगा? 5 लाख से। तो कितना बनाया जाएगा? 5 लाख। ये सेम रूल लगता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के चैप्टर में भी, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो। आओ जी, बहुत होगी क्वेश्चन की चर्चा, सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले बेच मारेंगे एसेट, एसेट बेचो, एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट, फिक्स एसेट कितने का था? 1,60,000। फिक्स एसेट कितने का था? 1,60,000 का 30 का डेप्रिसिएशन था, मतलब उसकी WDV कितनी? 1,30,000 रुपए। और बेचा हमने कितने का है? 1,30,000। फिक्स एसेट इज अ मशीन, बैलेंस शीट में देखो मशीन दे ही नहीं रखा, तो आप कैसे मशीन लिखोगे? फिक्स एसेट तो लिखोगे ना। SPR अकाउंट, तुम लिख लो यार, लॉस लिख के फिर ट्रांसफर कर देना। अब नरेशन में क्या लिखोगे? बी सोल्ड एट लॉस ऑफ 30,000। ठीक है जी, यहाँ आप बताओगे मशीन, बट क्वेश्चन में फिक्स एसेट दे रखा था, फिक्स एसेट लिखना पड़ेगा ना आपको। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे आपको क्या बनाना पड़ेगा? सीआरआर। सीआरआर आपको बनाना है 5 लाख रुपए का, जो आपको पता लगा था। देखो कैसे बना पाओगे, जनरल रिजर्व में कितने पैसे पड़े? 2,00,000, 3,00,000 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पैसे पड़े? 1,50,000। 50,000 रुपए का काम आएगा जो प्रीमियम लौटाना है उसके लिए, तो कितने पड़े? 1,50,000। कितना हो गया? 4,50,000। कितना बच गया? 50,000। 50,000 कहाँ से ले लेंगे? PNL से। नहीं ना, सीक्वेंस में चलना है ना सर। ठीक है, बताओ। जनरल रिजर्व डेबिट पूरा ले लिया कितना? 1,00,000। हो जाता है कभी कभी ना, ऐसा भी हो जाता है। कितना? 2। अच्छा तुम जा रहे हो, चेक करा था कि रात हो गई, तुम सोने आ गए हो। अगला बताओ। SPL अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना? 2। CRR को क्या लिखेंगे? कैपिटल रिटेंशन रिजर्व अकाउंट, अभी शॉर्ट में लिख दिया। कितना? 5 लाख। ये कार्रवाई भी होगी। अगला बताओ। अब बायबैक करने एंट्री, तो हमारा क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, ये डेबिट हो जाएगा कितने का? 5 लाख का। प्रीमियम भी देना है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 50,000। 2 इक्विटी शेयर होल्डर, एंड नेक्स्ट वन इज इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू
बैंक फिगर इज 550 रेशन सब में लिखना है, रेशन आप लिख लोगे ऐसे हम आपसे आशा करते हैं। इसमें कह रहा था कि एंट्री पास करो और बैलेंस शीट बना के दिखाओ। नाउ वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो इसको हटाएं फिर से, नहीं बन पाएगा सर, इतनी जगह नहीं है ना, नई वाली बनेगी। आओ जी बैलेंस शीट, ये एंट्री को माइंड में रखना, इस एंट्री में क्या क्या काम आपने किया है, ठीक है। चलो जी देखते हैं आपने कितना ध्यान में रखना। आओ लेट्स प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आओ जी, रफली फॉर्मेट बताएं फटाफट से। सबसे पहले आता है हमारा क्या, इसके बाद रिजर्व सरप्लस, इसके बाद जो क्वेश्चन में रेलेवेंट है वही बताएंगे, इसके बाद हमारा आएगा नॉन करंट लायबिलिटी, इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, उसके बाद आएगा करंट लायबिलिटी, इसके अंदर हमारा ट्रेड पेबल, यही है। देन आ जाए एसेट्स के अंदर, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, इसके अंदर फिक्स एसेट्स, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए क्या बोलोगे आप, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसके बाद आ जाए करंट एसेट्स के अंदर, करंट एसेट्स में क्या क्या है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बताएं जी फिगर्स, बोलो सर। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा 20 लाख रुपए का, 5 लाख आपने बायबैक कर लिया, कितना बच जाएगा, इसका नोट दिखाओगे, वैसे बकाया था फिलहाल हम लिख रहे हैं, और रफली याद करने के लिए तो मैं यहां दिखा देते हैं, 20 लाख माइनस 5 लाख रिजर्व सरप्लस, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम था पूरा का पूरा खत्म हो गया, जल्द से पूरा का पूरा खत्म हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में से 50,000 यूज किया था, लेकिन 3.5 लाख नहीं बचेगा, 3,20,000 बचेगा, 30,000 का लॉस भी था। देन एसपीएल तो लिखा था ना, एसपीएल में डेबिट हुआ था ना, तो डेबिट हुआ तो माइनस नहीं होगा एसपीएल में से। नेक्स्ट क्या है आपका, डिबेंचर 6 लाख का 6 लाख क्वेश्चन में एज इट इज दे रखा है, एज इट इज आ जाएगा। ट्रेड क्रेडिटर 560 का 560 एज इट इज आ जाएगा। फिक्स एसेट्स बेच मारे आपने 15,60,000 में से, कितने के बेच दिए आपने, 1,30,000 रुपए के। दिस इज दी डब्ल्यू डी वी, यू हैव टू रिड्यूस डब्ल्यू डी वी, एंट्री में आपने 60 से एंट्री करी है, 31 से एंट्री करी है। डब्ल्यू डी वी लेस करोगे, 31 लेस करोगे, कितना आएगा, 14 लाख। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज एज इट इज 6 लाख, इन्वेंट्री इज एज इट इज 8,50,000, डेटर्स इज एज इट इज 5,80,000, एंड कैश में एडजस्टमेंट हो जाएगी क्या क्या। देखो वैसे तो तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे बैलेंस फिगर डाल दो, बट स्टिल टैली करेंगे हम तो 4,70,000 अपने पास पड़े हुए थे, प्लस आपने एसेट बेचा आपको पैसे मिले कितने, माइनस आपने रीपेमेंट कितनी करी, कितना बचेगा, टोटल करो टैली होना चाहिए, 29,80,000। अगला बताएं, 14,00,000। क्या बात कर रहे यार, 15,00,000 अरे इसमें एक मिसिंग रह गया अंधा बच्चा, 3,20,000 में एक और चीज तो है, सीआरआर, वो कहाँ जाएगा, सीआरआर कितने का था, दिस इज 5 और 3, 8,20,000, 5 लाख यहाँ बढ़ जाएगा, 34 लाख हो जाएगा, 34,80,000।
चौंतीस लाख अस्सी हजार और ये कितना आएगा? मुझे ये पता लग गया था कि यहाँ इन्होंने जैसे 29 बोला, मुझे लगा कुछ तो कमी है तो मैंने एंट्री रिकॉल किया, एंट्री मैं ऐसे हटा चुका था। बट अगर आप एंट्री से करोगे तो आपको गलती नहीं लगेगी, क्योंकि एंट्री में आप देखोगे हर चीज़ का डुअल इंपैक्ट आना चाहिए। कुछ चीज़ आप घटा रहे हो तो कुछ उसका क्रेडिट भी तो हो रहा है ना, वो भी कहीं ना कहीं आएगा ना। एंट्री थी नहीं है तो वैसे हम हमेशा एंट्री काट काट के करते हैं, ये एंट्री इसके एडजस्टमेंट हो गई, ये एंट्री इसके एडजस्टमेंट हो गई, तो उस तरीके से आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये आपका सवाल था, इस प्रकार से आपके बाकी सवाल हैं, आप जितना चाहें उतना ज़्यादा इसमें ट्राई करके आएँ। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ये था, थ्योरी मैंने पढ़वा दी जो जरूरी था आपके लिए, रेस्ट ऑल इज योर होमवर्क, और नेक्स्ट क्लास में उसको हम देखेंगे अगर कुछ करने की जरूरत पड़ेगी तो।